मैं समय हूं, समय गुप्ता, एक आर्ट स्टूडेंट। अनंत काल से मेरी सोसाइटी में एक्सेप्ट होने की लड़ाई जारी। लाखों साल पहले से संसार में लोकप्रिय विषय यानी साइंस और कॉमर्स का राज चलता आ रहा है, और मैं तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस दुनिया में साइंस और कॉमर्स के अलावा एक और स्ट्रीम होती है, आर्ट्स। मार्क्स नहीं आए क्या? करियर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, एक बार भी नहीं। यार तेरे घर वाले मान कैसे गए? मेरे घर वाले तो कूट कूट के कोटा भेज देते। अबे आज तो सिर्फ लड़कियां लेती है यार। ओ तभी अब समझ गया, व्हाट अ प्लेयर यार तू। बेटा ये आर्ट वार्ट का टाइम पास ना अमीर लोग करते हैं। अब आर्ट्स ले ही लिया है तो फिर सिविल सर्विस भी कर ले। इंडिया में कोई स्कोप नहीं है बेटा, कम से कम कॉमर्स ही ले लेता। तू इंग्लिश टीचर बन सकता है, हिस्ट्री टीचर, ज्योग्राफी टीचर, ट्यूशन टीचर, साइको टीचर। देख मुझे पता तेरे साथ क्या होने वाला है। पहले तेरे को जॉब नहीं मिलेगी, फिर तेरे को घर से बाहर निकाल देंगे, फिर तू मुंबई जाएगा और वहां अनन्या पांडे की तरह स्ट्रगल करके एक्टर बनेगा। सिंपल। अरे ये आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में डिफरेंस क्या है? पेंटिंग शेंटिंग करते हो ना तुम लोग? ये ड्रॉइंग टीचर ने ना बिट्टू को होमवर्क दिया है, ई फॉर एलिफेंट, बना देगा क्या? तू अभी भी हिस्ट्री पढ़ता है क्या? आर्ट्स में तो बस रट्टा मारना होता है। नहीं अबे स्टोरीज तो तू घर पे भी पढ़ सकता था ना। तुम आर्ट्स वाले मैथ्स में कमजोर होते हो ना। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग ज्योग्राफी के साथ मैथ्स भी लेते हैं। अबे ऐसे में वर्ड्स काउंट करने को मैथ्स नहीं बोलते। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो ना? चलो बताओ इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा? बताओ। तुम्हारे भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, लिटमस पेपर पे ऐसे लिखते हो। बेटा तू एक काम कर, तू शादी कर। क्या आर्ट्स का शादी से क्या रिलेशन? नहीं वैसे कुछ नहीं, मुझे लगा दी बस बातों बातों में पूछ लेती हूँ। तुझे शेक्सपियर ओवररेटेड नहीं लगता? एटलीस्ट चेतन भगत समझ तो आता है। बेटा ये एक अच्छा सा दिवाली मैसेज लिख दो ना, है? भारी भारी शब्द यूज करना। अच्छा कुछ पोएम सुना ना। पोएम नहीं, वॉर्म होता है। ब्रो एक्सप्रेसो बोल के देखा, अस्थमा, कूपन, लिंगरी। यार मेरे घर के कर्टन ब्लू हैं। ब्लू मी सैड है क्या? राहुल के लिए एक मस्त पोम लिखना। कभी कभी लगता है यार मैं भी आर्टिस्ट बन जाऊं, पर फिर लगता है यार पैसे भी तो कमाने हैं ना। तो मार्क्स वालों को पेंसिल खरीदने में कंफ्यूजन होता है क्या? यू नो टू बी और नॉट टू बी। अ साइंस स्टूडेंट, अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड एन आर्ट स्टूडेंट वर एट अ बार। साइंस स्टूडेंट बोलता है वन विस्की प्लीज, कॉमर्स स्टूडेंट बोलता है वन बियर प्लीज, और एक आर्ट स्टूडेंट बोलता है जी सर अभी लाता हूं। ब्रो आर्ट स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है? साइंस स्टूडेंट पहले एमबीए करते हैं फिर पैशन फॉलो करते हैं। आर्ट स्टूडेंट पहले पैशन फॉलो करते हैं और फिर एमबीए वालों के लिए नौकरी करते हैं। अरे तुम्हें पता है ना आर्टिस्ट लोग मरने के बाद फेमस होते हैं। पता है, पर तुम्हें ये पता है वो मरने के बाद ही फेमस क्यों होते हैं? क्योंकि तुम जैसे लोगों ने जीते जी लॉन्च रे प्रोनाउंस करवा रहे होते हो, या फिर सोशल मीडिया पे सूडो लिबरल कहकर चुप करवा देते हो। तुम्हें क्या लगता है हम आर्ट इसलिए लेते क्योंकि हमें मैथ्स नहीं पसंद? जी नहीं, हम आर्ट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें मैथ्स और साइंस दोनों ही नहीं पसंद। अरे हमें अपने सब्जेक्ट्स बाकी सब्जेक्टों से ज्यादा अच्छे लगते हैं, इट्स दैट इजी। समय टीवी ऑन नहीं हो रहा है, आके जरा ठीक कर दे। आया मम्मी। चल रहने दे, मैं भूल ही गई थी तू साइंस से नहीं है।